और रांची में एक बार फिर ईडी कार्यालय पहुंचे हैं अभिषेक झा, पल्स अस्पताल के डायरेक्टर और आईएएस पूजा सिंगल के पति हैं अभिषेक। ईडी आज फिर प्रेम प्रकाश से भी पूछताछ कर सकती है। कल पूछताछ में प्रेम प्रकाश से ईडी को कई अहम जानकारियां मिली। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, रुक करते हैं उनका। अंजनी देखिए, अब ईडी लगातार प्रेम प्रकाश से तो पूछताछ कर ही रही है, लेकिन एक बार फिर पूजा सिंगल के पति और पल्स अस्पताल के डायरेक्टर अभिषेक पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। देखिए, ईडी दफ्तर में आज सबसे पहले यदि कोई पहुंचा है तो वो अभिषेक झा पहुंचा है, और कल वो नहीं, कल उन्हें नहीं बुलाया गया था। कल देखेंगे तो कल पिछले दिनों प्रेम प्रकाश को बुलाया गया था, लेकिन आज जो अभिषेक झा को बुलाया गया है और पूछताछ जो है ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं कि थोड़ी देर के बाद प्रेम प्रकाश भी यहां पहुंचेंगे, तो जिस तरह से लगातार पूछताछ हो रही है तो हो सकता है कि दोनों को बैठा कर सवाल जवाब जो है ये ईडी के अधिकारी करेंगे। क्योंकि अभिषेक झा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से पूजा सिंगल प्रकरण मामला जो चला उसके वो जरूर केंद्र बिंदु रहे थे और लगातार पूछताछ भी होते रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूजा सिंगल अभी भी होटवार जेल में है, उनके जो सीए हैं सुमन कुमार सिंह वो भी जेल में है, तो इसके बाद भी लगातार जो है पूछताछ होते रही है। इसी कड़ी में कई लोगों से पूछताछ हुई है, जिला खनन पदाधिकारी हो या फिर जिला के परिवहन पदाधिकारी हो, लेकिन अभिषेक झा से ये जरूर पूछा जाता है कि पल्स हॉस्पिटल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है या मनरेगा का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया है, कैसे तमाम जो 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 पैसे जो यहाँ भ्रष्टाचार से जो पैसे कमाए गए हैं वो पैसे कहाँ कहाँ लगे हैं और इसका और कनेक्शन क्या है। तो यही वजह है कि ये इन मामलों को लेकर अभिषेक झा को भी बार बार यहाँ बुलाया जाता है और पूछताछ होती है। तो आज भी लगता है कि कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो तैयार है और उनका जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये मामला काफ़ी फंसता उलझता जा रहा है, लेकिन ईडी के अधिकारी हैं कि जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछताछ जो है लगातार जारी रहेगी। और इसी क्रम में अभिषेक झा 11:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और जो खबर है कि थोड़ी देर के बाद प्रेम प्रकाश भी यहां पहुंचेंगे। आरती बिल्कुल, और अब नए सिरे से फिर से अभिषेक झा से पूछताछ शुरू होने वाले, क्योंकि पहले दफ़े पूजा सिंगल के साथ बिठाकर और फिर वन टू वन पूछताछ हुई थी, लेकिन जब प्रेम प्रकाश से इधर लगातार पूछताछ चल रही है तो एक बार फिर से अभिषेक झा को भी बुलाया गया है इंट्रोगेशन के लिए। नज़र बनाए रखिए, और भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।